कभी कभार कराची में यही वजह से है जो इंसान तंग नहीं होते। ये आप इसका बोर्ड पढ़ सकते हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट का बिल्डिंग है ये जी। अभी हम निकल आए हैं, ये एफयू हाउस एक और बिल्डिंग है, इंश्योरेंस कोई बिल्डिंग है, और वो जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को ये टावर, मेन टावर जो है ये कहलाता है। तो ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से आप लोग एन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ का खैर, ट्रेवल एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आया हूँ, एक स्ट्रीट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, केपीटी बिल्डिंग, जो कि कराची में कारादर और टावर और जो नटी जट्टी ब्रिज है उसके दरमियान वाक़ हैं। और यहाँ पर मेन जो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो एक स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, शूट करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और एक रिक्रिएशनल स्ट्रीट जो है बना हुआ है, बहुत खूबसूरत और बहुत आला, कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को वो स्ट्रीट दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर चैनल में नए हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आ जाइए चलते हैं, वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पब्लिक एक प्लेस है जहाँ पर लोग बैठते हैं और अपना असर या मगरब तक, तकरीबन इशा तक यहाँ लोग बैठते रहते हैं, तकरीबन 11-12 बजे तक। आज चूँकि सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन है तो इस वजह से काफ़ी रश तो नहीं है, हालांकि संडे के दिन जो है यहाँ पर रश बहुत होता है। थोड़ा सा इंजॉय करें फिर आगे चलते हैं। ये जी अभी हम निकल आए हैं, ये एफयू हाउस एक और बिल्डिंग है, इंश्योरेंस कोई बिल्डिंग है, और वो जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को ये टावर, मेन टावर जो है ये कहलाता है। तो ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से आप लोग एन हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है वो गली और वो स्ट्रीट जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे जितने भी आप तस्वीरें देख रहे हो वो इस गली के हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लड़के और लोग आए हुए हैं, संडे का दिन भी है, लॉकडाउन भी है, इस वजह से लोग आ रहे हैं। चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इस वजह से जो लोग अपने कन्वेंस पे आ रहे हैं तो वो आ गए हैं, बाकी इतना रश नहीं है जितना और दिनों में होते हैं। ये जो केपीटी बिल्डिंग है उसके बराबर वाले जो स्ट्रीट है वहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रीट और बहुत प्यारा बना हुआ है, तो एक पिकनिक पॉइंट आप कह सकते हैं और एक रेस्ट एरिया आप कह सकते हैं। एचबीएल वालों ने तो अपना बोर्ड लगाया हुआ है, भाई इन लोगों के कब्ज़े में है क्या? अच्छा, यहाँ एक ब्रांच खुला हुआ है एचबीएल वालों का। माशाल्लाह स्ट्रीट बहुत प्यारा है, मैंने सुना था और आज विज़िट भी किया, आप लोगों को भी दिखा दे चलूँ। वो जो आप लोग को दिखाई दे रहा है वो पीएमसी बिल्डिंग है जो कि नटी जट्टी पुल से आता है, और ये एरिया आपका आता है टावर से, और ये जो एरिया है ये आप नटी जट्टी पुल से होकर कारादर तक आते हैं, और ये साइड पे जितना भी एरिया आता है वो कारादर, ये कारादर साइड है। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग है और ये स्ट्रीट है, माशाल्लाह बहुत प्यारी स्ट्रीट है, और मुझे तो वैसे वाकई में मज़ा आया यहाँ पर, वाकई स्ट्रीट बहुत प्यारी है, एक अलग सा लोकेशन है इसका अपना। भाई साहब सीन तो चेक करें आप लोग, तो ऐसे ऐसे जगह हैं कराची में, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत है और थोड़ा सफाई सुथराई की ज़रूरत है,
सहूलियात देने की ज़रूरत है। कभी कभार कराची में यही सोया से है जो इंसान तंग नहीं होते। ये आप इसका बोर्ड पढ़ सकते हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट का बिल्डिंग है। और ये एक पब्लिक स्ट्रीट भी है और ये समझो कि एक वैसे रिक्रेशनल एरिया भी है जहाँ पर लोग आते हैं और बिजनेस आवर्स में और वर्किंग टाइम में जो है यहाँ पर ऑफिसेज वगैरह और मुख्तलिफ सारे जगह मौजूद है। लेकिन वैसे दिनों में ज़्यादातर संडे के दिन या वैसे हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे कोई हो तो इस वजह से जो है फिर यहाँ पर लोग वैसे आते हैं घूमने के लिए। ये बिल्डिंग है साहब, भाई साहब ये आप चेक कर सकते हैं। और वो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है नटी जटी जो ब्रिज है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर ब्रिज है। आई सी आई जो ब्रिज कहलाते हैं वो ये ब्रिज है, उसके बिल्कुल नीचे हैं करीब में। वहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वहाँ पर कस्टम हाउस भी है जो कि ओनली एंड वन कस्टम हाउस है पाकिस्तान में। ये कस्टम हाउस के ब्रांचेस हैं लेकिन जो मेन और हेड ऑफिस कहला सकते हैं आप लोग तो वो यहाँ पर कराची में है। अच्छा जनाब, तो ये है कस्टम हाउस कराची का मेन बिल्डिंग। जितने भी सारे कस्टम्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं तो ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और उम्मीद यही होगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो जो है हमारे जितने भी मैं शूट करता हूँ ये पसंद आ रहे होंगे। और बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप कोई भी इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एक थंब का एक लाइक का बटन भी जो है वो दबा सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जनाब स्ट्रीट आप लोगों ने देख ली और आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग। एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्ट्रीट है, जब भी अगर आप लोग आना हो तो संडे के दिन आ जाएं क्योंकि यहाँ पर रश इतना नहीं होता, ऑफिस सारे बंद होते हैं तो स्ट्रीट जो है खुला होता है लोगों के लिए। अच्छा जनाब, तो व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, बहुत सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।